हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उरूबा और आज जो है वो मैं फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ। अपने खूबसूरत से दिन का आगाज़ करते हैं और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। अब जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि हम जो है वो बकरीद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर पर हैं। कुछ दिनों पहले मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की तबीयत बहुत बेहतर है माशाल्लाह से, अब वो ठीक हो रही है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम आप लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं और अपने ईद की जो तैयारियां हैं वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। कुछ थोड़े दिनों पहले तो लग ही नहीं रहा था कि ईद आ रही है, क्योंकि घर में जो अगर कोई बच्चे वगैरह बीमार हो तो लगता ही नहीं कि ईद वगैरह आ रही है, लेकिन अब क्योंकि ठीक हो चुकी है तो लग रहा है कि हाँ ईद आ रही है। और आज चांद रात है। खैर, हमारा जानवर कल आ चुका है, उसकी सारी प्रिपरेशन हमने पहले से किस तरीके से की थी, किस तरीके से हमने पैसे जमा किए थे, क्या किए थे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम जो है वो पिछले साल से अपने इस साल के जानवर के लिए जो है वो पैसे वगैरह जमा कर रहे थे। एक गुल्लक अमान ने बनाई हुई थी, उसके अंदर वो रोज़ाना कुछ ना कुछ पैसे उसमें ऐड करते थे। वो गुल्लक बच्चों ने तोड़ी, वो पैसे सारे जमा करे, कलेक्ट करे और फिर वो लोग जानवर लेकर आए, तो जानवर भी दिखाएंगे। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ न्यू टिप्स भी दूंगी कि जिनके घरों में कुर्बानी होती है वो किस तरीके से अपने काम को आसान कर बना सकते हैं, किस तरीके से जल्द निपटाने की कर सकते हैं, या इस तरीके की प्रिपरेशन पहले से करके रख सकते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो या उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विल फुल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रुक जाओ, रुक, एक मिनट रुको, एक साइड में कर लो इन सारे पैसों को, जो ये कुर्बानी के लिए जमा किए गए पैसे हैं ना, इनको साइड में कर लो। सही है, सबको पैन ऑफ करो। अभी रुको, हो रहा पहले ये वाले साइड में हो जाए ना, फिर दूसरे वाले पैसों को हम गुल्लक को तोड़ दे। एक साइड कर दो, अब आप छोड़ दो उसको, अब ये वाले को उधर लिया और एक ही जगह कचरा हो ताकि अमान पीछे हो जाओ। चलो भाई, हम जा रहे हैं नीचे जानवर देखने के लिए। आओ आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। गेट खोलते ही तो गाय का तोहफा देखने को मिला। जानवर आए हुए होते तो सख्त गंदगी तो हो रही होती है, लेकिन जानवरों के साथ वक्त गुजारने का एक अपना ही मज़ा है, जो एनिमल्स लवर हैं वो ही जान सकते हैं। कह रहे तुम मॉर्निंग में भी तो एक बकरी ये खाना इसका आगे करो, हाथ से हटा रस्सी नीचे कर दो। ऐसे उछाल के नहीं करो, हाथ से आगे को करो, ऐसे धक्का देके ऐसे। जहाँ खा रही है ना, हो रहा माँ करो आगे। अच्छा मैं कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों को सुनिए।
आंटी वो देना वो वाली छिली वो आटे की आटा वो जो वो है ना चाकर आटा वो भूसा जो है बारीक वाला चाकर ना चाकर के चौकर चौकर चाकर खाने के बाद हाँ कौन से शैम्पू से नहलाया है सरसों ने ला दिया और बाद के में जब ब्रश मार के इसको वापस से शैम्पू से मैंने बताया मैं ना मेरी बोले ही आती वो वाला अभी घुमाओगे भी तुम लोग अमन क्या कौन सा जानवर है ये अमान आप लेकर आए हो कहाँ से लेकर आए हो बताओ और आपने क्या करा था इसके लिए जानवर लाने के लिए क्या करा था किसमें कब से जमा कर रहे थे एक साल से आओ भाई प्यार तो करके दिखाओ अपने जानवर को मारता है नहीं मारता है मुझे तो लगता है बहुत मारता है तुम्हारा जानवर अरे वाह भाई तुम्हारा तो पलावा आ गया जानवर है शरीफ है ये दो दांत का है कितने दांत का है ये अम्मा दस दांत का है कितने दांत का है दो दांत का है निकाल के दिखाओ दांत इसके दिखाओ तुम्हारे तुम्हारी पूरी जबान ही अंदर वो अपनी जबान से तुम्हें पूरा अंदर ही ले जाएंगे निकाल के तो दिखाओ दांत मम्मा कितने शौक से आम खा रहे हैं बेटा तो ये जानवर सब भी ऐसी चीजें खाते हैं सब्जियां फल फ्रूट सब आज जो जानवर को जो भी मिल जाए वो खिलाओ ना खरबूजा वगैरह मिलेगा हाँ वो आप छुरियां लेके चले गए ना धान पानी के लिए एक भी छुरी नहीं बची घर में छुरियां वगैरह तो हो गई हैं धार के लिए अपना शॉपर और प्लास्टिक वगैरह रह गई है वो जो गोश्त की वक्त की है ना वो रात तक ले आइएगा सारा सामान जा पक्की लो जा ले लो मिन्नी एक ले लो एक हमने व्हाट्सएप ले लिए मतलब वो ऐसा नुक्स देखेंगे कि जो सामने वाला बोलने से मासूम हो जाए लेकर आया उसको तो पीने दो तुमने कमरे लॉक कर दिया पानी पीने दो यार उसको पानी कैसा है पानी पानी का रिव्यू मुझे भी दो अच्छे जाएगा चलो ना बेटा अच्छे पेट भर गया ना खेलेगा मम्मा हाँ जाओ जाओ जल्दी से अंदर चले जाओ हालत टाइट अमान साहब की वो सिर्फ इनको देखते ही चीखते ना वो और इनके पीछे चल जाता है बाबा भी मुझे बोलेगा तुम तो फट्टू हैं अमान जाओ ना जाओ बांध देना हाँ अभी डलवाएंगे इतनी गंदगी नहीं उठानी पड़ती नहीं अभी डलवाएंगे सफाई करेंगे रात में काफी रात को आया ना इसलिए टाइम नहीं है मन वापस आ रहा है पूरा को डर नहीं लग रहा एक कभी तो मंदिर आई हूँ अभी बाहर जा रही हूँ एक जगह रहना तेरी क्या मसला है देख देख अंदर चलो अब देखो वहाँ के रुक जाएगा हाँ तो टाइट हो ही लगोगी
गाय से प्यार लाड प्यार करने के बाद आकर मैंने अपनी लिस्ट तैयार करी, जिन लोगों को गोश्त तकसीम करना है उन लोगों के नाम लिखे, सब चीज़ें से रेडी करके रखी, और बाकी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था कि मैंने अली के हाथ जो है वो छुरियाँ वगैरह धार करने के लिए दे दी हैं, शॉपर्स वगैरह मंगवा लिए हैं और प्लास्टिक वगैरह मंगवा लिए, सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख दी हैं। इसी के साथ साथ मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। मैं मिलूँगी आपको ईद के फर्स्ट डे अपने लुक के साथ, आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। चांद रात का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी जाना पड़ गया था, तो इसलिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।